सऊदी अरब की अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आरिफ अहमद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़ात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक करें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं सबसे पहली खबर। मदीना मुनव्वरा में तेज़ रफ्तार गाड़ी फार्मेसी में जा घुसी। मदीना मुनव्वरा में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर फार्मेसी से टकरा गई। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अल अखबारी का मजीद कहना है कि हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली खसारा का तखमिया नहीं लगाया गया। हादसे से फार्मेसी का मरकज़ी शीशा चकनाचूर हो गया, जबकि गाड़ी का अगला हिस्सा भी काफ़ी मुतासर हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा और हिलाल अहमर की इमदादी टीमें जाए मौके पे पहुंच गई, जिन्होंने गाड़ी को वहां निकालने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया है। पहाड़ से गिरने वाला सऊदी हलाक। उसी रीजन के पहाड़ी सिलसिला में एक सऊदी शहरी गहरी खाई में गिरकर हलाक हो गया। शहरी की लाश निकालकर हस्पताल के सरहद खाना में मुंतकिल की गई। अल अखबार 24 के मुताबिक शहरी की खाई में गिरने का वाक़ा उसी रीजन की कमिश्नरी बिलकर्न के पहाड़ी सिलसिला में पेश आया। एन शाहिदीन का कहना था कि शहरी पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ा था, जिसकी दूसरी जानिब गहरी खाई थी। शहरी के गिरने की इतला वहां मौजूद लोगों ने शहरी दिफा को दी, जहां से फौरी तौर पे इमदादी यूनिट्स पहुंच गए। शहरी दिफा के मखसूस यूनिट्स ने लाश को खाई से निकालकर जिससे बाद अज़ल हस्पताल के सरद खाना में मुंतकिल किया गया था। कोरोना जवाबित शीशा कैफ़स पर नई पाबंदी आयद की गई है। इदारे उमर सैन की जानिब से बंद मकामात पे शीशा पेश करने पे पाबंदी आयद कर दी गई है। शीशा कैफों को हिदायत किया गया कि मुकर्रर एसओपीज़ की पाबंदी करते हुए खुले मकामात पे शीशा पेश किया जा सकता है। साबिक न्यूज़ के मुताबिक कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के खदशे और केसेज में होने वाले इजाफे की वजह से इदारे उमर सेहत वक़ाया की जानिब से शीशा कैफों के इंतज़ामियों को हिदायत की गई है कि वो अपने सार्फीन को खुले मकामात पे शीशा फराहम कर सकते हैं। ताहम रवा हफ्ते से कोरोना केसेस में होने वाले इजाफे के बाद कोरोना जवाबित की पाबंदी पर अमल दरामद दोबारा शुरू कर दिया गया। वाज़ेह मामलिकत के तमाम शहरों में शीशा कैफ़ बड़ी तादाद में कायम है। लोगों की अक्सरियत रात को इन कैफ़ों का रुख करते हैं, जहां वो शीशे से लुत्फ अंदाज होते हैं। कैफ़ों पर आयद की जाने वाली नई पाबंदी से ऐसे शीशे काफ़ी मुतासर होंगे, जहाँ आने वालों के लिए कैफ़ों के बाहर बैठने की मखसूस जगह नहीं है। ममलिकत में 25 लाख से ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि ममलिकत में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 25 लाख से ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि अब तक लगाई जाने वाली वैक्सीन की मजमूई तादाद 5,53,00,000 से तजावज़ कर गई। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से कबल अज़ल बयान में कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाए जाने के 6 माह बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ताहम बाद अज़ल तबी तहकीकात को मद्देनज़र रखते हुए बूस्टर डोज के लिए दौरानिया को कम करके 3 माह कर दिया गया। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए बूस्टर डोज की अहमियत बयान करते हुए वज़ारत सेहत का कहना है कि बूस्टर डोज से कोरोना के वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो जाता है, जिससे इंसान कोरोना वायरस से महफूज रह सकता है। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाना क्यों ज़रूरी है? वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने जोर दिया है कि बूस्टर डोज लेने वालों में एकाधुका ही कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहा है। तभी जायज़ों से ये बात साबित हुई है कि वैक्सीन से जो मुदाफ़ती निज़ाम हासिल होता है वो वैक्सीन लेने के 3 माह बाद कमज़ोर हो जाता है, लिहाजा बूस्टर डोज के ज़रिए इसे मजबूत बनाया जाता है। अलउद्दलालिया का कहना है कि जो लोग बूस्टर डोज ले लेते हैं वो कोरोना वायरस की नई शक्लों से मुतासिर होने से महफूज हो जाते हैं। इस तरह के लोग वायरस से बहुत कम मुतासिर होते हैं। मास्क इस्तेमाल न करने का जुर्माना 1,00,000 रियाल तक। सऊदी अरब में वज़ार दाखिला ने खबरदार किया है कि कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी न करते हुए मास्क न पहनने और नाक और मुंह को न ढांपने की सूरत में 1,00,000 रियाल तक जुर्माना होगा। अल अखबार 24 ने वज़ार दाखिला के ट्विटर पर जारी अलमे के हवाले से मजीद कहा कि मास्क न पहनने पर बुनियादी जुर्माना 1,000 रियाल है, ताहम इस खिलाफवर्जी में बार बार मुलव्वस होने वाले अफराद पर जुर्माना की रकम 1,00,000 रियाल तक बढ़ाई जा सकती है। वज़ारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि मास्क पहनने से न सिर्फ ये कि इंसान खुद कोरोना वायरस से महफूज हो जाता है, बल्कि इससे दूसरे अफराद भी महफूज रहते हैं। मास्क पहनने से वबा को फैलने से रोकने और दूसरों को वायरस लगने से बचने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है।